आई और जानकारी लेते कि आज 3 दिन लगातार धरने प्रदर्शन को हो गए हैं और ये भूख प्यास के अंदर ऐसी कड़कती धूप के अंदर छोटे छोटे बच्चों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जो इनके नेता हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि सरकार से इनकी कैसी वार्ता हुई है और कहां तक ये पहुंचे। सर, आपकी सरकार से कहां तक वार्ता हुई है और आप कहां तक पहुंचे? अभी हम लोगों की वार्ता के दौर में हम लोग चल रहे हैं। अभी अधिकारियों से वार्ता हुई, कल हमारी वार्ता आदरणीय एमएचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब से हुई थी, लेकिन वो बात हमारी उनसे पूर्ण रूप से नहीं हो पाई थी, इसलिए हमने उस वार्ता को विफल मानते हुए अपने धरने का आगाज किया और आज हमारा ये धरना चल रहा है। अभी पीएमओ कार्यालय से बार बार हमारे पास अधिकारी आ रहे हैं और वार्ता हुई है माननीय गृह मंत्री जी से, 1-1.5 घंटे के अंदर वार्ता कराने का बात चल रहा है। उधर पीएमओ भी सक्रिय है और उनका मानना है कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार से बात कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि इसका जो है सम्मानजनक समाधान निकल जाए। उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है, आप देख रहे हैं ये हजारों हजार की तादाद में 1.5 लाख संख्या हमारी यहाँ 3 दिन से पड़ी है और इनको ये नहीं पता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इन्हें 73 सांसद दिया है, जिन्होंने इन्हें राष्ट्रपति दिया है, जिन्होंने इन्हें प्रधानमंत्री दिया है, जिन्होंने इन्हें गृह मंत्री दिया है, जिन्होंने इन्हें 325 विधायक दे करके इनको मैंडेट दिया है। अगर ऐसा इन्होंने नहीं सुना तो ये आंदोलन और अग्रेसिव होगा और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की होगी। क्या कारण हुआ कि जावड़ेकर साहब से आपकी पूरी बातें नहीं हुई? जावड़ेकर साहब जिससे मेरी पूरी वार्ता इसलिए नहीं हो पाई कि वो कैबिनेट की बैठक में जा रहे थे, उससे पहले उनकी माता का तबीयत खराब था, वो दवा देखने जा रहे थे। मेरी उनके प्रति सिंपैथी है, लेकिन मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ कि वो समय दे और हमारे डेलीगेशन से 1 घंटे का जो बैठ करके टेबल टॉक करें तो निश्चित रूप से हमारे 70% समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। आज 3 दिन हो गए हैं आपको भूखे प्यासे आप यहाँ और ये पूरी जनता पूरे अध्यापक पड़े हुए हैं, तो आगे आपका अग्रिम योजना क्या रहेगी? अगर उन्होंने मुझे बुला करके मेरे इस जो है सार्थक पहल शिक्षा मित्रों की मांगों पर नहीं किया तो शाम को हम कैंडल मार्च निकालेंगे और अभी आंदोलन हमारा आगे और बढ़ेगा और फिर हम इस आंदोलन को अग्रेसिव करने का प्रयास करेंगे तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ये आंदोलन शिक्षा मित्र बैठेगा नहीं, फिर हम दिल्ली के कनॉट प्लेस से लेकर सारे चौक चौराहों को जाम करने का काम करेंगे। अगर मेरी बात सार्थकता में नहीं हुई, अभी मैं सम्मान करता हूँ कि मेरी समस्याओं को संज्ञान में रखें और इसका समाधान करें। मैं शिव कुमार शुक्ला, प्रांतीय संरक्षक, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन एंड संयुक्त मोर्चा। धन्यवाद।